गाइस देखिए सर हैं हमारे सामने। बचपन से ही सर की फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं और आज हमारे सामने हैं। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके। सर का बहुत अच्छा नेचर है। जी 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 ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम एक बड़े सेलिब्रिटी से मिलने वाले हैं। आप लोगों के लिए सरप्राइज है। वैसे भी आप लोग थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। बहुत सी फिल्में हैं जिनमें भाई उनकी कॉमेडी से बहुत मजा आता है। वही हम लोग जाने वाले हैं ओरछा। तो ओरछा में ही मिलेंगे। ओरछा में उनकी चल रही फिल्म की शूटिंग। मम्मी ने सुबह से लगा लिया अपने बालों में कलर। क्या मम्मी कहो गो तो बालन को सफेद हो गए थे। बुरा लगा थे ते हो गए थे ते नहीं आते हुए। बूढ़े बाल बहुत बुरे लगते हैं है? अब क्या करते हैं, बूढ़े तो हो ही नहीं है। मुझे दी भी होती मुंह में। चलो तो कोई बात नहीं। मम्मी देखना चाहती हैं बिल्कुल जवान, इसलिए मम्मी करती हैं बालों में कलर। ओरछा में आज हम मिलने वाले हैं राजपाल यादव से। हाँ चल रहे हैं आपको? को कह रहा हूँ है? को कह रहा? हम तो कह रहे हैं आपको मिलना के नहीं होता पहले है। हमसे मिल भी नहीं आ रहा है। उनकी शूटिंग चल रही है। उनकी शूटिंग चल रही, हम मिलने जा रहे हैं। हसिया नहीं मिल लो ये देखो गाइस, साधना बना रही है टमाटर की चटनी। और तुम कितने एक्साइटेड हो मिलने के लिए? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, वो तो कॉमेडी करते ही हैं। ठीक है, एक आध तुम भी कॉमेडी कर दी हो, का पता फिल्म विलिम में ले लें वे। ले तो ना ले, लेकिन ये देखो आज बनी है नोरपा की भाजी। आज हम जा रहे हैं, पता किन से मिलने जा रहे हैं? बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर से। सोच कौन होगा वो कॉमेडी एक्टर? जॉनी लीवर। जॉनी लीवर नहीं तो? और है सोच। उत्तर प्रदेश किसान यादव की पहचान राजपाल यादव है। राजपाल यादव। हाँ राजपाल यादव से चलना है तुझे? चल है हाँ? अभी शाम को जाएंगे फिर चलना। ठीक है, ओरछा में आए हैं, उनकी शूटिंग चल रही है फिल्म की, तो वहीं मिलेंगे उनसे। सच में? हाँ, भगवान का सा मजाक थोड़ी ना कर रहा मैं। देखो तुम झूठ बोल रहे ना जी, ऐसी बात क्या करते हो? झूठ बोलते फिर झूठ बोला टूट जाता फिर। अरे झूठ बोला तो फिर देख लिए शाम का। ठीक है पक्का शाम को? कितने बजे तक? वही 5:30 बजे तक, 5:30-6 बजे तक मिलेंगे। चल रहे? चलूंगा। है तो झूठ लग रही है। और फिर क्या चल रहा था? नहीं राजपाल यादव से पहली बार मिलूंगा। पहली बार मिलूंगा। चलो मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ। पे जाने है। नहीं जा रही आप? फिर मौका नहीं मिले बार बार मिले वो। हम तो टीवी में देख लेते। टीवी में देख लेते ले बच्चा। पापा आप चलो कहाँ? ओरछा। ओरछा तो कई बार हुआ। ओरछा में राजपाल यादव से मिले। अब तो मैं मिले एक बार। अमिताभ बच्चन से मिले गए थे पापा मुंबई से। मिले के आए थे। चलो राजपाल यादव जी से मिलवा दूं। पापा जा रहे हैं डेयरी पर, पापा से कहा चलने के लिए। पापा तो नहीं जा रहे हैं। पापा के साथ मम्मी भी जा रही हैं डेयरी पर। आ गई है साधना। चलो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। बस वाले और ट्रक वाले को देखो कैसे चिपका के चला रहे, दोनों खतरों के खिलाड़ी बन रहे। एक गम नहीं खा पा रहा कि एक रुक जाए एक निकल जाए। दोनों को देखो साथ में निकलना है। देखो भाई सब, ना बस वाला मान रहा ना ट्रक वाला मान रहा। काजल की स्याही से लिखी है दोनों जाने केसरिया तेरा इश्क है पिया दिन बीते सारा तेरी फिक्र में तू मान मेरी जान मंजिल जाने ना दूंगा। हमने मोहब्बत की है इस दिल के मेरे हृदय भी
इश्क का किसी किसी को आता है ऐसे जज्बा हमें यारों तुम में जो पठान मेरी जान महफिल ही मिल जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मन मिल जाए। देखो हम लोग आ चुके हैं ओरछा और यहाँ पे देखो हो रही है फिश मसाज। देखो फिश मसाज के देखो फायदे साथ ना करवानी है तुम्हें? नहीं करवानी है। रणवीर तुम्हें करवानी है? आप बोल दो तो। करवानी है पागल होता क्या है मछलियाँ ना पैर में काटती हैं ये मसाज होती है कटवाना है मछलियों से। देख देख लेना वहाँ पे देख वंटी का देख उनके पैरों में देख मछली काट रही हैं देख ये होती है फिश मसाज। सच में मछलियाँ काटती हैं चुनती हैं पैरों को हाँ स्किन खाती हैं वो डेड स्किन। तो अभी हम देखो यहाँ पे आ गए नदी के पास। देखो मैं तो जाना चाहता हूँ बोट में राफ्टिंग करने के लिए लेकिन साधना को तो मना ही करती है। साधना तो हमेशा मना ही करती है। रणवीर तो चलना रणवीर को तो चलना है तो हम और रणवीर जा रहे हैं ठीक है चले जाएं। बता जल्दी बताओ पानी है ज्यादा बात का मतलब लाइफ जैकेट पहना था ही। अरे पानी देखो तो आज सपने में हमें देखो सपने में पानी देखो तो सो पानी देखो तो सुबह से बाप पागल है का बिल्कुल ही। यहाँ पे देखो कितना मस्त लगता है यहाँ पे राफ्टिंग चल रही है हैं और यहाँ पे घोड़े भी हैं घुड़सवारी भी कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं वो देखो अंग्रेज भी बैठी हुई है और बढ़िया लोकेशन है बेहतरीन ब्यूटीफुल। वेयर आर यू फ्रॉम? ऑस्ट्रेलिया। वो ये बोल रहे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी थैंक यू बोल दो शी इज ब्यूटीफुल तुम्हें सुंदर बोल रहे हैं तुम सुंदर हो। गाइस काफी देर से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे आंटी से बात कर रही थी साधना तो आंटी ने साधना से कुछ बोला साधना कहीं नो इंग्लिश क्यों साधना डर गए थे क्या नहीं है तो? तो मैंने बात की कि नहीं की बड़ी तारीफ कर गई वो तो आंटी तुम्हारी है बगल में क्या बैठी तुम उनके तारीफ करवावे बैठी वो तो जगह की आज पार्लर हो गया नहीं तो दाढ़ी भी दिख जाती रणवीर ने भी बात करी ना डाड़ी यही से तो सकल तो दिखत के नहीं। हाँ रणवीर ने भी बात की ना रणवीर रणवीर क्या नाम था उनका शू शूज नहीं सू हाँ वो ऑस्ट्रेलिया की थी वो मतलब इंग्लिश नाम पता नहीं कैसे कैसे होते शू जॉन माइकल हाँ बड़े घरों की राधा बेटी बड़े घरों की राधा बेटी और रणवीर वाले जीने से आगे जाना नहीं ठीक है। ओ हेलो हीरो आ जाओ भगयो वापस अब बहुत हो गया आ जाओ भगयो नहाना है नहीं नहाना तो बैठ जाओ चलो भगयो इधर देखो ये बैठी है चाची इनके पास बैठ जाओ बगल में। तो गाइस देखिए सर हैं हमारे सामने
जिनको पहचान की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने, हमने बचपन से ही सर की फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं और आज हमारे सामने है, मतलब मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर से मिलके, सर का बहुत अच्छा नेचर है और बहुत खुशी हुई। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सामने है आज। मैं जीवन में अपनी पहली बार सर से मिला हूँ, इससे पहले मैं मुंबई में रहा और सर जानते होंगे शायद कोमल, ये क्या ना, कोमल नाहटा जी, उनकी ट्रेड मैगजीन निकलती है सर, बॉलीवुड ट्रेड मैगजीन, मैं उसमें पहले न्यूज़ रिपोर्टर का काम करता था, लेकिन चूंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता था इसीलिए मैं जॉब लगने के बाद इधर आ गया सर। बहुत अच्छा। भाई अभी सर कर रहे हैं वॉक, तो देखते हैं अभी वॉक के बाद थोड़ा बहुत और मिल लेंगे उनसे। बाकी मिल तो लिया ही है, हमने काफ़ी देर से बात बात कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मिल के सर से। तो भाई सोचा नहीं था कभी ऐसे मिलना होगा। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, अभी हम लोग होटल में हैं ओरछा में, अमर महल में, यहीं पे ही उनकी शूटिंग चल रही है। सर मुझे एक आपका डायलॉग याद आ गया, मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। देखो अभी हम लोग हैं ओरछा में और ये है अमर महल और हम लोगों ने राजपाल यादव जी से मिल लिया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा भाभी? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, हाँ। यकीन हो रहा है मिल लिया? हाँ, हो रहा है। भैया ने मिलवाया, ठीक है भैया को थैंक यू बोल दो। भैया ने मिलवाया हमें, तो वैसे हम नहीं मिल पाते, भैया ने मिलवाया। रणवीर जी से पूछो कैसा लगा। रणवीर जी तुम्हें कैसा लगा? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। रणवीर तुम्हें कैसा लगा? मैं बताऊं कैसे, मैं ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, पहली बार मिला किसी हीरो से तो अलग ही लग रहा कि यकीन नहीं हो रहा ना। यकीन नहीं हो रहा। हमारे डीजे साहब साथ में मिले थे तो डीजे साहब ने उनका डायलॉग बोला था कि मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है, तो सभी लोग हंसने लगे और राजपाल यादव भी इसमें हंसने लगे थे। नहीं, नेचर उनका काफी अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छा नेचर है। और आपको उन्होंने जब जाते जाते आपके लिए एक शब्द बोला था कि खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। हाँ, मेरे लिए बोला, आपके लिए बोला है और मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी उनकी। और चूंकि आप पहले जब विजिट हुई थी उसमें आपके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि आप ब्लॉग बनाते हैं, तो वो बात उनको याद थी। और सेकंड विजिट हुई तो उसमें वो बात उनको याद थी, इसीलिए आपके लिए उन्होंने ये शब्द बोला कि खूब आगे बढ़ो, कि आप खूब आगे बढ़ो। मतलब उन्हें याद था, पहली बार में मिले तब बताया कि हम यूट्यूब पर वीडियो एक्टर की पहचान। हाँ, उन्होंने जिस तरीके से अपना बताया है तो एक अच्छी एक्टर की पहचान है और इतना समय नहीं होता है। और उनका जे भी है, मतलब इतना, इतने बड़े पद पे, मतलब इतना बड़ा वो पा लिया, उसके हिसाब से उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, योगी ने बिल्कुल नॉर्मली से मिल रहे हैं ना सबसे। अच्छा लगा, ये बात अच्छी है उनकी। चलो 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 चलो, इवन डीजे साहब भी उनसे मिलने के लिए आए थे, है ना, जब अपन मिले तो डीजे साहब भी साथ में खड़े थे। चलो चलो बढ़िया। और छा में हम लोग रुके हैं और फिंगर चिप्स वगैरह ये लोग खा रहे हैं। रोल बता दो भाभी, रोल रोल कितने चाहिए? दो। कैसे हैं ये, है क्या? और फिंगर, फिंगर है, फिंगर से फिंगर खा रही तुम। तो देखो गाइस, ये है सामने हमारे श्री राम जी का मंदिर ओरछा में। क्या खा रहे हो बताओ भाई, क्या खा रहे हो? बादाम शेक है। हम आ चुके हैं रणविजय के घर पे। रणविजय घर पे आ गए तुम तो, कितनी शैतानी कर रहा है, ये इनका घर भाभी। अब जा देखो, जबरदस्ती पैसे दे रही है, देखो नरेंद्र भैया प्लीज। तो देखो अभी अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, वो पैसे दे रही है भाभी। भाई सब चले गए ड्यूटी और भाभी को हम छोड़ने आए थे, तो अब हम जा रहे हैं घर पे। ठीक है भाभी, जा रहे हैं। ठीक है भैया, आओ। राधे राधे। अब कब आओगे? अब परसों आएंगे ना भाई, मंगल को आएंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोल दो, राधे राधे। राधे राधे। चलो चले रणवीर, चलो के देखो आप पैर छू रहे। चलो ठीक है, बाय रणवीर, बाय बाय। चलो ठीक, साथ
गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे। घर आते आते काफी टाइम हो गया, काफी रात हो गई, तो काफी अच्छा लगा राजपाल सर से मिलके, और साधना को भी काफी अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और घर पे तो अभी नहीं बता पाए क्योंकि काफी रात हो गई, तो सब लोग सो गए हैं। सबको बताएंगे कि मिलकर कितना अच्छा लगा, उनका नेचर कैसा है। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा नेचर है, सबसे बहुत प्यार से अच्छे से मिल रहे थे, किसी भी तरीके का कोई भी एटीट्यूड नहीं है। इतने बड़े एक्टर हैं, आमतौर पे जब से मैं फिल्में देख रहा हूँ तो हर दूसरी फिल्म में उनकी कॉमेडी मिलती है देखने को, आज भी मिलती है। तो काफ़ी बड़े एक्टर हैं, बट उस तरीके का उनके अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं है कि भाई हम इनसे नहीं मिलेंगे या उनसे नहीं मिलेंगे। सबसे मिल रहे थे जितने लोगों को भी मैंने देखा मेरे सामने, और हम लोगों से भी बहुत अच्छे से मिले। और उनने मेरे से एक बात जो कही, फर्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले तो उस टाइम हमने बताया कि हम लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं ये वगैरह, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो वॉक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हमें वॉक कर लेने दो फिर हम बात करेंगे। फिर जब उन्होंने वॉक कर ली तो उन्होंने हमें बुलाया, फिर काफ़ी बात हुई हमारी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे उनसे बात चल रही हो बस ऐसे वीडियो बनाते रहो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी सारी बातें हुई, उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जब एक बात बोली कि मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे।